नमस्कार दोस्तों, आप लोग का रिपन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं, स्कॉलरशिप से रिलेटेड न्यूज है, जाने क्यों हो रहे हैं बहुत से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, इसका मैं रीजन बताऊंगा। यदि आपने भी वो गलती किया हो तो प्लीज जाकर के सुधरवा लीजिए, अभी भी मतलब कुछ लोगों को टाइम मिल गया है। इस तरीके से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे क्या चीज प्रूफ के साथ। तो क्या आप भी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। DWO का नया आदेश जारी हो गया है, उसके तहत उन्होंने क्या कहा है, मैं सारी चीजों को आपके साथ में रख दूंगा। तो इसके साथ ही कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि चैनल हर बार आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक न्यूज देता है। तो चलिए हम ले चलते हैं सीधे आप लोगों को न्यूज की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधे तौर पे लिखा है, गड़बड़ी से लटक गई 6000 विद्यार्थियों की फार्म। ये बस केवल 4 से 5 स्कूलों की बात कर रहा है, जबकि ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कूल पड़े हैं जहाँ पे गड़बड़ी के कारण लटके हुए हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं आवेदन पत्र में गड़बड़ी के कारण जिले में 6000 से ज्यादा विद्यार्थी। अब रीजन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि लंबा न्यूज है, मैं इसमें से इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीजन ये है कि इन लोगों ने मतलब प्रमोट हुए थे पिछली बार, तो प्रमोट विथ मार्क लिखना है, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया था, परमिट विदाउट मार्क लिख दिया था, और वो लिखे थे मतलब अपने कॉलेज के सलाह पे या फिर जैसे भी लिखे थे। लेकिन फिर बाद में जब सुधार के लिए आया था, फिर भी इन्होंने वही किया, क्योंकि बाद में तो ये कुछ चीजें हल हो गई थी प्रमोटेड वाली, जो कि मतलब उन लोगों को लिखना था, उसमें समाज कल्याण विभाग ने सीधे तौर पर एक नोटिस जारी किया था जिसमें प्रमोटेड विथ मार्क लिखना था, लेकिन इन लोगों का क्या था, प्रमोटेड विदाउट मार्क लिख दिया गया था। तो इसकी वजह से इन लोगों की छात्रवृत्ति अब लटक रही है। इस पे समाज कल्याण विभाग ने कह दिया है कि हम ऐसे लोगों को छात्रवृत्ति नहीं देंगे। लेकिन अभी आगे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सीधे तौर पे आप देख रहे हैं 6000 यहाँ पे हजारों छात्रों के आवेदन खारिज होने के मामले में DM से बात हुई, CDO ने भी पत्र भेजा है, उम्मीद है कि इसका कोई हल निकलेगा। मतलब वहां के लोग जुड़ गए हैं, तो फिर ये लोग चाह रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकाल करके, अब गलती तो हो ही गई है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हल निकाल करके इन लोगों को छात्रवृत्ति दे दिया जाए। ऐसे ही है, 56000 विद्यार्थियों ने किया है आवेदन, 56000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, उसमें से कुछ लोगों का गलती हो गया, कुछ लोगों का सही है। तो जिनका सही है उनका आएगा, और देखिए जिनका वेरीफाई दिखा रहा है उनका छात्रवृत्ति अब बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोग अपना अकाउंट भी चेक करते रहिए, क्योंकि 3 से 4 दिन की होली की जो छुट्टी पड़ी है इसके बीच में ही इसके बाद से मतलब आना चालू हो जाएगा फिर, और उसके बाद से फिर आप अपना कॉलेज पे और समाज कल्याण विभाग में भी ऐसे मतलब न्यूज आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा समाज कल्याण विभाग का, और कॉलेज में थोड़ा सा बात करते रहिए कि सर मेरा क्या हो रहा है, ये प्रमोटेड विथ मार्क और विदाउट मार्क का क्या मैटर है। तो मैं आप लोगों को ऐसे क्लियर कर दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा।